ओके जी, रिकॉर्डिंग स्टार्ट हो चुकी है तो हम कंटिन्यू करते हैं। मैं स्क्रीन शेयर कर देता हूँ आप लोगों के साथ। जी ये न्यू टैब विजिबल है? जी सर। तो हमने क्या किया था, डार्ट की एक फाइल बनाई थी टीचर के नाम से और क्लास बनाई थी हमने टीचर के नाम से। सॉरी, ज़ूम कर दिया स्क्रीन। और एक्सटेंड कीवर्ड हमने यूज किया था। एक सेकंड, बाद में हम एक्सटेंड यूज करते हैं। यहाँ पे हम कुछ कॉल चीज़ों को कॉल कर लेते हैं। एक तो पर्सन वाली कुछ चीज़ें हैं, हमें वो चाहिए होंगी। ये सेम एज इट मैं बस कॉपी कर रहा हूँ पर्सन से कुछ चीज़ें लेके, और स्ट्रिंग सब्जेक्ट। ठीक है, और हम क्या रख देते हैं, मैथ। यहाँ तक तो क्लियर है ना? यस सर। ओके, तो मैं जल्दी जल्दी ज़रा इसका सेटर बना देता हूँ। सेटर ठीक है। ये तो नीचे जाते हैं। ओके, ये सेटर बन गया हमारा। यहाँ पे हम गेटर बनाते हैं और इंटर इंसर्ट, और ये मैंने जल्दी जल्दी गेटर बना दिया। ठीक है, सेटर गेटर। और यहाँ पे अब हमने क्या करना है, कंस्ट्रक्टर पहले इसको बनाना है। इसको करना है एक्सटेंड्स, और क्या किसके साथ करना है, पर्सन के साथ। ठीक है, तो वो यहाँ पे जी सर। बोलेगा कि आप ये सारा। इतना तक क्लियर है आप सबको? जी सर। जी सर। ओके, तो अब आप लोग क्या करेंगे। अच्छा जी, ये मैं क्या कर रहा था, एड नेम, एज नेम, ये हम रिमूव कर देंगे जो हमारे पेरेंट में कंस्ट्रक्टर में थी, और जॉब यहाँ से ये रिमूव हो गया। और दूसरा सब्जेक्ट को हम रहने देंगे, और जॉब नेम और एज यहाँ से हम ये रिमूव कर देंगे कैटेगरी से। और हमने ये रिमूव क्यों की है, ये भी मैं आपको अभी थोड़ी देर में बताता हूँ। और इस पर क्या काम है। ठीक है, अच्छा जी, मैं एक फाइनल फाइनल क्यों बना दिया, देखते हैं। हाँ ठीक है, इसको फिर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं चाहिए। हाँ, नेम एज जॉब आ गई। स्पोर्ट्स सब्जेक्ट, नहीं एक सेकंड, ये ऐसे नहीं आ रहा। यहाँ पे सेटर कॉल होगा, और सेटर कौन सा है, सब्जेक्ट। एक इशू है, वाइड रैप फिनिश जस्ट बी सेव। ये इशू कर रहा है, तो हम सिंपली ये छोड़ के, एक मिनट इसको हम दोबारा जनरेट कर लेते हैं ताकि ये इशू ना आई हो। ठीक है, और सब्जेक्ट ये मैथ भी हम रिमूव कर देते हैं। इनिशियलाइज फेल्ड, क्या मसला। ये जॉब वगैरह तो कॉल कर रहा है, लेकिन साथ में ये को कॉल नहीं कर रहा। स्ट्रिंग, और ये साथ में सब्जेक्ट। खैर, जिस तौर सब्जेक्ट कर देते हैं। सब्जेक्ट नहीं,
इशू क्या आ गया इसको, मैं खुद परेशान हुआ करूँ। अच्छा जी, एज मस्ट बी इनिशियलाइज्ड प्रायर टू एडिंग इनिशियलाइज्ड, ठीक है एज आपकी। अच्छा ये बोल रहा है कि ये सब इनिशियलाइज्ड होने चाहिए, नहीं हमने क्या किया था, नल सेफ्टी एरर आ रहा है एबीसी। और ये क्या जॉब थी, हम एबीसी कर देते हैं। हाँ ठीक है, एरर चला गया। तो वो इशू जो आ रहा था वो हमारा आ रहा था, इसका वो बोल रहा था कि ये नेम वगैरह इनिशियलाइज होना चाहिए, स्ट्रिंग और ये सब्जेक्ट। ठीक है, टीचर नेम स्ट्रिंग और जॉब और ये, ठीक है इस तरह नहीं एक्सेप्ट कर रहा ना, तो इस डॉट ठीक है, बल्कि हम सेटर इस तरह बना लेते हैं, सेट सब्जेक्ट स्ट्रिंग वैल्यू और ये क्या इसका सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट के अंदर हमने क्या कर देना है, वैल्यू पास कर देनी है। ठीक है, और वैल्यू पास करने के बाद हम, ठीक है मैं यहाँ पे मैं स्ट्रिंग टाइप कर दूंगा एस बी जे, और यहाँ पे मैं ये वाला काम करता हूँ, आई डोंट थिंक सो ये वाला काम करेगा। बस ये डार्ट का थोड़ा सा सिंटैक्स का है, अगर इसकी समझ लग जाए तो। देख किस तरह काम करता है कि नहीं, सब्जेक्ट इज इक्वल टू ये तेरा, इस तरह ये काम नहीं करता। तो क्या इशू आ गया सर, सर सब्जेक्ट की वैल्यू दो। सर सब्जेक्ट की वैल्यू एबीसी दे देते हैं हम, सब्जेक्ट की वैल्यू ठीक है, पर भी सेट में दोबारा बना देते हैं, क्या मसला। ठीक है, सब्जेक्ट आ गया, ये एज वगैरह आ गई, ठीक है। और यहाँ पे ये इशू आ रहा है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग सब्जेक्ट, ठीक है आई थिंक इशू रिजॉल्व हो गए। इसको ऐसे ही कॉपी करके पेस्ट कर देते हैं ताकि स्पेल को की मिस्टेक ना हो। ठीक हो गया जी, ओके ये सब्जेक्ट भी हमारा क्लियर हो गया, ये सारा कुछ हो गया। अच्छा जी, अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे मैंने चीज़ों को प्रिंट करवाना है ना, पहले मैं काम करता हूँ, यहाँ पे हम एक बनाते हैं, एक सेकंड, एडमिट, ओके टीचर टीएच इज इक्वल टू टीचर, ठीक है। अब ये देखो वो सारा कुछ मेरे से ले रहा है, नेम ले रहा है, एज ले रहा है, जॉब ले रहा है, सब्जेक्ट ले रहा है, ठीक है। लेकिन हमने टीचर के अंदर कितने चीज बनाई, सिर्फ एक ही हमने सब्जेक्ट बनाया, क्लियर है। जी सर, ओ हम यहाँ पे मैं कहता हूँ अहमद है और इसकी एज कितनी है, 38 है। जॉब क्या करता है वो, एक टीचर है, और सब्जेक्ट उसके पास कौन सा है, डेटाबेस कह देते हैं, डेटाबेस, ठीक है। तो अब मैं क्या करूंगा, टीएच प्रिंट करके देखते हैं, प्रिंट टीएच डॉट गेट एट एज, ये देखें। अब मैंने ये देखें कि मैंने यहां पे तो कोई नेम या एज वगैरह को सेट करने के लिए कुछ भी नहीं बनाया था ना, नो
यार ये भी एक सेकंड ना, इसको भी हम चेंज करते हैं, ये वाला मेथड सही नहीं है। सेट सब्जेक्ट ये क्या करेगा मुझे रिटर्न सब्जेक्ट। ठीक है हम जो है प्योर प्रोग्रामिंग कर रहे हैं, शॉर्टकट नहीं मार। ठीक है तो अब ये देखे th डॉट करता हूँ तो मुझे मेरे पास ये टू स्ट्रिंग भी आ जाता है, गेट नेम का मेथड भी आ जाता है, सेट नेम का भी, सेट एज, सेट जॉब, सारा कुछ आ रहा है। जी सर मैं गेट सब्जेक्ट करके देखता हूँ मुझे क्या रिटर्न करता है। होपफुली इसे डेटाबेस ही रिटर्न करनी चाहिए, नहीं वो डिफॉल्ट एबीसी सेट कर दे रहा है मुझे, मतलब इसका ये है कि ये वाली वैल्यू जो है हमारी सब्जेक्ट की ये सेट नहीं हुई। और ये क्यों नहीं हो रही, अब जरा चला के देखते सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं सेट कर रहा, सब्जेक्ट की वैल्यू नहीं सेट कर रहा, दिस डॉट सब्जेक्ट। ठीक है हाँ ठीक है एक्सेप्ट कर ली उसने। ओके तो एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि उसकी पेरेंट्स के अंदर जितने भी मेथड्स थे पर्सन के अंदर, मैं ओ सॉरी जूम इन कर देता हूँ ये एडमिट हो जाए। ठीक है तो एक्सटेंड करने से क्या हुआ कि उसके पेरेंट के अंदर जितने भी मेथड थे, सेट एज वाला, सेट नेम वाला, सेट सेट एज, सेट नेम और गेट नेम, गेट जॉब वगैरह, ये क्या हुआ उसका वो सारा सेट हो गया। ठीक है और ये एक्सटेंड करने से वो सारे ऑटोमेटिकली वो जो मेथड है चाइल्ड के अंदर आ गए। और उसका एक एडिशनल मेथड था सब्जेक्ट का, वो क्या हो गया हमने यहाँ पे इसको सेट कर दिया और यहाँ पे हमने क्या किया इसको गेट कर लिया। क्लियर है? जी सर। ओके तो हमने मेन में अब देखा कि मैं th डॉट करता हूँ तो मुझे इसकी पेरेंट क्लास के भी मैं जितने भी मेथड्स हैं मैं उनको एक्सेस कर सकता हूँ। अब मैं ये पेरेंट क्लास वाले मेथड को मैं एक्सेस कर रहा हूँ तो देखते हैं हमें क्या मिलता है। ठीक है हमें उसका नेम मिल गया, इनहेरिटेंस क्लियर है? जी सर। सिर्फ एक एक्सटेंड कीवर्ड लगाने से और आगे से हम उस आगे हम उस क्लास का नाम बताएंगे तो उसके अंदर जितने भी मेथड्स होंगे वो सारे हमारे पास आ जाएंगे। अब पीछे रह गया ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट। ठीक है जी सर। आपको ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट की तरफ आते हैं तो यहाँ पे हमारे पास एक मेथड था यूजर डिटेल प्रिंट। ठीक है अब मैंने यूजर डिटेल प्रिंट किया है तो क्या हुआ है कि उसने सुपर डॉट यूजर प्रिंट किया है। ठीक है जी सर। जी सर मतलब ये कि वो मेरे पास इसके पेरेंट्स के अंदर जो डाटा है वो प्रिंट करवाएगा लेकिन हमने इसको क्या करना है इसकी हमने डिटेल एक ये और साथ में मैं इसके साथ ये प्लस कर देता हूँ मेरे माइट भी ये एक्सटेंड कर ले नहीं ये इस तरह नहीं करेगा सुपर डॉट यूजर डिटेल मतलब ये सुपर का कीवर्ड हम तब यूज करते हैं जब पेरेंट्स के साथ हम काम कर रहे हो। ठीक है ओके सर। ओके तो यहाँ पे मैंने मतलब अब ये ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट ये है कि एक चीज पेरेंट्स में ऑलरेडी एग्जिस्ट है ठीक है उसको आप मेथड की बात कर रहा हूँ एक मेथड ऑलरेडी पेरेंट में एग्जिस्ट है उसको आप चाइल्ड में बुला के अपनी मर्जी से मॉडिफाई कर रहे हैं तो उसको हम बोलेंगे ओवरराइडिंग कॉन्सेप्ट। ओके सर। ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है? पेरेंट्स में एक मेथड बना हुआ है और वो मेथड हम लोग चाइल्ड में बना रहे हैं और उसको हम मॉडिफाई कर रहे हैं। जी बिल्कुल वो उसको अपनी मर्जी से वो हमारा क्या है ओवरराइड है। ठीक है ये क्लियर है? ठीक है सर। जी सर। ओके तो मैं यहाँ पे ये करता हूँ मैं प्रिंट ही हमने किया था आई थिंक सो द नेम इज तो गेट नेम कर लेता हूँ मेथड को कॉल कर लेते हैं और बैक स्लैश एन ठीक है यहाँ पे मैं सेमी कॉलन लगा देता हूँ या एक सेकंड सुपर डॉट प्रिंट वो तो कॉल कर ही रहा है यूजर डिटेल की एक सेकेंड प्रिंट
सुपर डॉट प्रिंट यहाँ पे ये काम करेगा। हम इसको थोड़ा सा प्लस माइनस करके देखते हैं। डॉट प्रिंट ये इस तरह काम नहीं करता। एनीवेज हम सुपर डॉट प्रिंट को सुपर डॉट यूजर प्रिंट इसको यूजर की डिटेल ये प्रिंट और साथ में मैं क्या कर देता हूँ प्रिंट द सब्जेक्ट इज सब्जेक्ट ठीक है। सर हम कॉल करके देखते हैं ये हमें क्या प्रिंट करवाता है। तो अभी मैं इसको सॉरी यहाँ पे मैंने कुछ सेट नहीं किया था ph dot user print user detail print ठीक है देखते हैं क्या प्रिंट करवाते हैं। ठीक है तो उसने क्या किया सुपर डॉट प्रिंट ने क्या किया कि उसका वो वाला मेथड कॉल किया उसके अंदर जो जो चीजें थी उसने वो प्रिंट करवा दी। साथ में मैंने क्या किया टीचर के अंदर ये एडिशनल मैंने प्रिंट का मेथड लिखा है और इसके अंदर क्या है मैंने डेटाबेस जो पास की थी वो वाला सब्जेक्ट का उसने नेम प्रिंट करा दिया। इनहेरिटेंस ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट क्लियर है जी सर कि पेरेंट क्लास के अंदर जो चीज रिपीट कर हाँ मैं रिपीट कर देता हूँ सॉरी पेरेंट क्लास के अंदर जो चीजें अवेलेबल हैं उन चीजों जो मेथड्स अवेलेबल है उनको हम अपनी मर्जी से हम चेंज करेंगे तो वो ओवरराइडिंग होगी। मैंने क्या किया वो वाले पेरेंट को कॉल किया सुपर डॉट यूजर डिटेल मैं यहाँ पे जाके आपको दिखाता हूँ क्योंकि ये पर्सन जो है वो पेरेंट क्लास है तो हम उसकी जगह पर्सन नहीं यूज करेंगे हम सुपर यूज करेंगे। ठीक है ठीक है यस सर ओके तो मैं यहाँ पे आता हूँ तो यहाँ पे इस मेथड में हम क्या कर रहे थे ये प्रिंट कर रहे थे नेम कर रहे थे एज कर रहे थे और जॉब कर रहे थे। जब मैंने यहाँ पे सुपर डॉट यूजर डिटेल प्रिंट किया तो उसने वो जो तीन चीजें थी यहाँ पे प्रिंट करा दी। उसके बाद मैंने क्या किया नीचे आप नीचे वाली लाइन में आया और मैंने कहा भाई ये जो मेरी एक अपनी एडिशनल है टीचर की प्रॉपर्टी सब्जेक्ट की वो आप साथ में सब्जेक्ट भी प्रिंट करवा दें आप लोग। ठीक है यस सर क्लियर है यस सर ओके तो वो उसने क्या किया ये सब्जेक्ट की प्रॉपर्टी भी साथ में आप ये देखे नीचे साथ में उसने प्रिंट करवा दी मुझे ओके यस सर ओके ठीक है यहाँ तक क्लियर है सबको यस सर कोई कंफ्यूजन तो नहीं है नो सर ओके चलिए जी ठीक हो गया ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट तो आपको क्लियर हो गया। ठीक है यस सर ओके अब हम चलते हैं ओवरलोडिंग की तरफ। ओवरलोडिंग के लिए मैं एक क्लास बना लेता हूँ डॉट फाइल इसको बोल देते हैं मैथ कैलकुलेशन। ठीक है क्लास और ये मैं ज़ूम इन कर दूँ मैथ सी ए एल यू ठीक है इतना नाम बड़ा है ना मैथ कैलकुलेट ठीक है। अब इसके अंदर जो है मैं दो एक मेथड एग्जिस्ट कर रहा है हाँ ठीक है यहाँ पे हम कर देते हैं सिर्फ इसके अंदर मेथड्स ही हैं और कुछ नहीं है मैं उसका नाम लिख देता हूँ गेट सम ठीक है get sum और यहाँ पे इंटीजर एक वैल्यू आ जाएगी a val1 और int val2 ये क्या करेगा मुझे रिटर्न कर देगा val1 plus val2 क्लियर है yeah. ओके मैं जरा मैथ ठीक है ठीक है ये डिफॉल्ट है इसका ये मैंने बताया था ना आप लोगों को। अब इसके अंदर एक मेथड है मैं इसको प्रिंट करवा के देखता हूँ मैथ डॉट मैथ सम
और इसके अंदर मैं एक वैल्यू दे देता हूँ 5 और दूसरी में दे देता हूँ 6. 5 और 6 कितने होते हैं वैसे? 11. 11. तो उसने मुझे क्या किया, 11 रिटर्न करवा दिया. ठीक है, अब मैं जरा मैथ की क्लास में दोबारा आता हूँ. तो मैं करता हूँ गेट सम और यहाँ पे मैं दे देता हूँ डबल 12 और डबल 12 और यहाँ पे मैं रिटर्न कर देता हूँ 12 प्लस 12. ठीक है, बोल रहा है गेट सम इज ऑलरेडी डिफाइन. आप लोगों ने गेट सम यहाँ पे उसको बोलते हैं, ये इंटीजर टाइप है. आई थिंक ये ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट इसके अंदर डार्ट के अंदर नहीं है. नहीं, मेरे हल नहीं है, डार्ट के अंदर नहीं है. खैर एनीवेज मैं आपको वैसे बता देता हूँ, ये जो मैंने काम किया है इसमें और ये वाला जो ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट होता है वो ये होता है कि हेलो 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 हेलो. अच्छा हमारा नेटवर्क ठीक है सर, का नेटवर्क आई थिंक इशू कर रहा है. आपकी क्लास बड़ी डिस्टर्ब हो रही है सर. हेलो, आवाज आ रही है? जी जी आ रही है. सही, आप लोग क्या फर्स्ट डे से अटेंड कर रहे हैं? आप में से कौन कितने लोग हैं जो फर्स्ट डे से अटेंड कर रहे हैं क्लास? हाँ जी, फर्स्ट डे अटेंड. आइए, आप बता सकते हैं सर कब से इस सॉफ्टवेयर को यूज कर रहे हैं? सर यूज कर रहे हैं इंटेलीजे आई डी. अच्छा, आवाज नहीं आ रही आपकी. आप सबको आवाज आ रही है? जी सर पहले नहीं आ रही, आ रही है. ओके, तो मैं ये बोल रहा हूँ कि डार्ट के अंदर ओवरराइडिंग का कॉन्सेप्ट है, ओवरलोडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं है. ठीक है, मैं आपको वैसे रफली बता देता हूँ ओवरलोडिंग क्या होता है. दोनों जो कंस्ट्रक्टर और और ये जो हम मेथड का नेम लिखते हैं ये दोनों होते हैं सेम. ठीक है, सेम नेम होता है उन दोनों का. क्लियर है? लेकिन उसके अंदर जो वैल्यूज होती हैं वो डिफरेंट जा रही होती है. अब ये देखें, यहाँ पे ये इंटीजर जा रही है और यहाँ पे ये डबल जा रही है. तो ये क्या हो जाएगा, हमारा फंक्शन ओवरलोडिंग होगा ये. ठीक है, क्लियर है? लेकिन ये डार्ट के अंदर ये वाली चीज अवेलेबल नहीं है, यानी कि ओवरलोडिंग ओवरराइडिंग अवेलेबल है, ओवरलोडिंग अवेलेबल नहीं है डार्ट के अंदर. ठीक है, ओके सर.
कोई कंफ्यूजन इनहेरिटेंस और ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग से तो अभी क्लियर कर ले, मैं क्लियर कर देता हूँ। नहीं सर क्लियर ठीक है, मैं फिर रिकॉर्डिंग अब स्टॉप कर दूं। जी सर ओके तो ये